सो मैं देवेंद्र अग्रवाल, मेरे पास में एक सेट है, एक ही पीसीबी आया है, एक्चुअली दो आए थे, तो एक रखा हुआ है वो भी हमने बनाया है, उसको हमें एक्चुअली में स्वैप करना है। ये भी स्वैपिंग है, ये देखो ये यहाँ से टूटा हुआ है, ये देखो यहाँ से टूटा हुआ है, पर यहाँ से कोई सीन ही नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा, ये एंटीना की लाइन है, इसको जंपर मार लेंगे हो जाएगा, तो कस्टमर को चलेगा, कस्टमर को डाटा चाहिए कहने का मतलब है। ये मीडियाटेक का बोर्ड है, सिंगल पावर आईसी का बोर्ड है, यहाँ पर आपका सीपीयू एमएमसी लगा है, एमएमसीपी लगा है, पैकेज है, रैम और रोम दोनों है, यहाँ आपका पूरा चार्जिंग सेक्शन लगा है। ये मीडियाटेक बीक्यू सेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम आओ इसकी रीडिंग समझते हैं। रीडिंग समझने से पहले क्या होता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर डीसी का कंसेप्शन समझते हैं कि क्या हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम डे वन में हैं और आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि डीसी आपको कितना देगा। डीसी को चालू करो, सब लोग डीसी की ओर देखो, जरा मुझे बताओ डीसी में कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं। चालू करो डीसी, देखो सब लोग को डीसी के अंदर, हाँ ऑन करो। एम्पियर में देखो कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, आधा वो ऑटो एम्पियर दे रही है, चार आधा। हम इस कॉन को, ये कॉन सॉर्टिंग नहीं है, तो सॉर्टिंग का कोई गेम नहीं है, इस कॉन के अंदर किसी भी प्रकार की सॉर्टिंग नहीं है, तो ये कोई सॉर्टिंग का नहीं है कि एक कैपेसिटर निकाल देंगे और हो जाएगा गेम। तो पहली बात तो ये कॉन है नो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट होता तो ये देखा जाए तो मेरे पास आते ही निकल, वो नॉर्मल टेक्नीशियन कहीं पर भी हीट फीड मार के कोई भी आईसी निकाल के शॉर्टिंग तो निकाल ही देता। ये एक नॉर्मल काम है जो सारे टेक्नीशियन कर रहे हैं बिना नॉलेज, तो हमें कोई सीन नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर का भी ढूंढना क्या ही बड़ी बात है। अब बस उनको ये नहीं पता कि बी पाने को शॉर्ट नहीं बोलते। हेलो यस सर, ये आज किस किस को नॉलेज मिला कि नहीं मिला? यस सर, बी पाने को शॉर्ट नहीं बोलते। तो कहने का मतलब है ये इसका एम्पियर है, अगर यहाँ पर एक आता है तो हम इसको बोलते हैं एक एम्पियर। क्या बोलते हैं? एक एम्पियर। अगर यहाँ पर ये यहाँ एक लिखा है तो इसको कहेंगे एक मिली एम्पियर। बोलो एक मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर। बोलो फिर से एक मिली एम्पियर। अगर यहाँ पर ये 10 आया तो हम इसको बोलेंगे 10 मिली एम्पियर। बोलो 10 मिली एम्पियर। अगर यहाँ पर आया, क्या आया? 100। तो हम इसको कितने मिली बोलेंगे? 100 मिली एम्पियर। बोलो 100 मिली एम्पियर। और जब ये एक इधर आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एक एम्पियर। कितना बोलेंगे बताओ? और ये मशीन हमारी टोटल कितने एम्पियर की है? समझ में आया मेरी बात? मतलब शुरुआत किससे हुई? एक। फिर कितना आ गया? 10। फिर कितना आया? 100। अब हमें ये समझना है कि सर ये समझा क्यों रहे हो? ये समझना जरूरी है ना, क्योंकि तुम्हारा फोन ऑन है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि क्या होता है ना, खाली पीसीबी भेज दिए लोगों को, जब बोर्ड नहीं होता है और चार्जिंग वार्जिंग नहीं लगा है, डीसी से फोन ऑन नहीं होता है, तो ये भी समझ लेते हैं ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। लोगों को ऑन का ही नहीं पता है, डीसी का कंसेप्ट नहीं पता है। डन। अगर आपका फोन वाकई में ऑन हो रहा है तो कितना लेना चाहिए? जब हम पावर की दवाई लें, बोलो पावर की दवाई, पावर की दवाने से पहले हमारा कंडीशन ये होना चाहिए, इसको कहते हैं नो शॉर्ट। बोलो नो शॉर्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि अगर ये कोई भी रीडिंग ले रहा है विदाउट पावर की प्रेस किए तो इसको कहते हैं ऑटो रीडिंग। क्या कहते हैं? ऑटो रीडिंग। कहने का मतलब जिस भी बोर्ड में शॉर्टिंग है वो कोई भी वोल्टेज बनाएगा नहीं, तो कोई चार्जर लगाकर बग सब चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है। एलडीओ बग कोई ये 5 वोल्टेज की लाइन कुछ नहीं मिलने वाली, क्योंकि बोर्ड में शॉर्टिंग है, पहले वो हटा, पर अभी हमारा बोर्ड इसी कंडीशन में है 0.000। अब हम पावर की दवाएंगे। अगर पावर की दवाने पर, बोलो पावर की दवाने पर अगर हमारे को रीडिंग आना, सबसे पहले रीडिंग ये चालू होगा 10 मिली एम्पीयर से। कितना? 10 मिली एम्पीयर। उसके बाद ये 10 के बाद कितना जाएगा? 100 के बाद ये जाएगा कितना? 200। ध्यान देना, अगर आपका पावर की दवाने पर इस 200 तक ही रहता है, अप डाउन स्टॉप कुछ भी, जैसे 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 150 आ गया, 180 आ गया, आपका सेट चालू नहीं हुआ, जब तक वो 200 नहीं क्रॉस करेगा, 200 के पार नहीं जाएगा, जैसे ये जाएगा 300 या जैसे 250 या 300 के ऊपर 400 और 500 और उस उधर आपको ये बराबर क्या करते रहना चाहिए? अप डाउन। क्या करते रहना चाहिए? तब तक ये फोन हमारा क्या नहीं हुआ है? अगर हम इसको देखेंगे, क्या ये फोन किधर जा रहा है? क्या ये 30 में जा रहा है? क्या ये 40 में जा रहा है? क्या ये 50 में जा रहा है? किधर जा रहा है?
नोटिस क्या कंडीशन बन सकती है, नाम लो, अगर वो बोलो अगर वो 0-10 से बोलो 0-10 से 0-40 तक जा रहा है बोलो 0-40 तक जा रहा है क्या लिखा है जल्दी बताओ। पावर को चेक ही नहीं करना। ओके पर करो चेक क्या पता आपको चोट मिल जाए, रिवोल्व हो सकता है, बहुत सारे सेक्शन है पावर में, पावर एक तो ना है कि सब चालू कर रहा है और बहुत सारे ऑडियो के साथ बंदा है चार्जिंग है पावर के अंदर। बट अगर ध्यान दो अगर फोन आपका 40 के बाद ऊपर, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं तब की बात नहीं कर रहा विंडो की, मैं तो आपको सब बताऊंगा आगे जाके डेट सेक्शन में कॉलकॉम सैमसंग दुनिया भर के डुअल लेकर अलग उसकी रीडिंग। पॉइंट 40 के बाद अगर ये रीडिंग कितना जल्दी बताओ 70 या लास्ट लास्ट कितना 80 पर आकर वापस क्या हो जाए जल्दी जीरो जीरो हो जाए 40 और 70 के बाद, तो ये हम बोलेंगे ये या। तो हमारे साथ है 28 सितंबर की बैच और आज हमारा तीसरा दिन है, कौन सा दिन है, तीसरा दिन है और मेरे साथ स्टूडेंट सारे लाइव है और उनके हाथों में कुछ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है भाई, मदर बोर्ड है, सबके पास आन मदर बोर्ड है, क्या करने वाले हैं आप, लाइव फोन से पावर आईसी, तो भाई ये प्रोसेस कौन कौन कर लेगा, आप करेंगे, तो ये प्रोसेस आप क्या पहले से जानते थे, रात को प्रैक्टिस करी, सुबह प्रैक्टिस करी, अभी हमारा एग्जाम का टाइम है, कौन कौन रिजल्ट देगा, आप देंगे, एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर आने पावर लगेगी कि नहीं लगेगी, 100% 101% या तो कौन सी कंडीशन में है, या तो ये कौन सी कंडीशन में क्या है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि रैम है कि एमएमसी है, पर मैं आपको आगे बताऊंगा, आज ये क्लास में वीडियो क्लास में ये वीडियो क्लास मैं इसके अंदर ये नहीं बताऊंगा, मैं बताना चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ और एक्यूरेट वही फिट बैठेगा, मैं ये भी बता दूंगा कितने पॉइंट पर एमएमसी ही होगा और कितने पॉइंट पर रैम होगा जितने भी एमडीके के फोन, पर हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अब ध्यान देना अगर रीडिंग बोलो अगर रीडिंग 0.80 से बोलो 0.80 से 0.120 या 0.200 तक स्टक होती है, समझ रहे हो है ना सर, तो ये पॉइंट में हम बोलेंगे तो ये हमें किधर जाना है जल्दी बताओ, यहाँ इसके ऊपर। अब थोड़ा सा और देखें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक अगर ये रीडिंग कितने के ऊपर चले जाए जल्दी बताओ 200 किधर आ जाए 300 400 500, तो ये हमारा फोन किस कंडीशन में है, ऑन हो। अगर हमारा रीडिंग बोलो अगर हमारा रीडिंग 200 और 300 के बीच में फंसा हो गया, बोलो 200 300, जैसे मान लो हमने पावर की मारा फट से 285 पे आकर रुक गया, हेलो यस सर, 250 200 300 के अंदर, 300 के ऊपर कभी नहीं रुकता, किसी का नहीं सेट रुकता, वो ऑटो कंसेप्ट है, वो हार्ड शॉटिंग बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका फोन या डुअल लेकर है, कौन सा फोन है मतलब सीपीयू रैम करना पड़ेगा, और अगर सिंगल है तो भी आपको सबसे पहले रैम और सीपीयू ये दोनों, पहले सीपीयू और उसके बाद रैम, क्योंकि ये सीपीयू रैम के आपके पावर कंजप्शन है, ठीक है। तो हम पहले इसमें हम देखेंगे कि कितना पावर आ रहा है, अगर हमारा पावर आ रहा है दबाने पर कितना आ रहा है चलिए बताओ, इसको कहते हैं नो बूट, बोलो नो बूट, या तो पावर ही चेक करेंगे क्योंकि नो बूट है, और पहले चेक करें क्या 0-0 आ रहा है या 10-40 के बीच में आ रहा है, एक एक करके स्टेप बढ़ते हैं। अब देखो अरे बूट केबल लाया, आ जाओ देख लो भाई उसका दो, ठीक है तुम्हारे लिए ये है, एक्सक्यूज मी थोड़ा उधर कैमरे के सामने से बैठ जाओ, ठीक है आ गया नो आई डायग्नोस करें तो आई डायग्नोस में ये पाया जाता है कि नेटवर्क सेक्शन में काम हुआ है, नेटवर्क सेक्शन का खतरा खुला है, ठीक है, बूट में डस्टिंग बहुत ज़्यादा है, पावर के सेक्शन में काम हुआ है, पावर का खतरा खुला है, वीसीओ नहीं खुला है,
किसी भी तरह के मैं कनेक्टर में कोई भी प्रकार की शॉर्टिंग या कनेक्टर टूटा हुआ या अनलेस डस्टिंग नहीं दिखाई दे रही है। ये ग्राफिक्स आईसी है, ये भी बिल्कुल ओके है। यहाँ का पतरा खुला हुआ है तो ये ट्रैक भी कोई कट सकता है, ठीक है। एमएमसी और सीपीयू निकाला नहीं गया है, ब्लैक पेस्टेड है। ये वाईफाई आईसी है और ये यहाँ पर आपके ग्रिप सेंसर और छोटे छोटे सेंसर यूज़ किए जाते हैं। तो पहले तो हमें डीसी केबल से हम इसको चालू करेंगे। नहीं, ये वॉली लगेगी नहीं, इधर आ जाओ, बीच में नहीं करो। पीली वाली लाओ ना। मैं लाने वाला था यार, मेरा भूल गया। नहीं नहीं, ठीक है। तो पहले हम इसका पावर कंसप्शन देखेंगे और देखेंगे, ये हमने डिस्प्ले अलग से है तो डिस्प्ले तो हम तब लगाएंगे जब 200 के पार जाएगा। तो डिस्प्ले 200 के पहले लगाना ही नहीं चाहिए, तो डिस्प्ले का काम है ही नहीं 200 के पार। तो डिस्प्ले को हम छोड़ देते हैं। तो डीसी केबल में सबसे पहले हम लगाएंगे और देखेंगे बिफोर पावर शॉर्ट है या क्या है, फिर हम पावर को प्रेस करेंगे और आफ्टर पावर की रीडिंग चेक करेंगे। ये लग गया, अब नोटिस करो। सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि हमारे फोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। हेलो, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम यहां पर पावर की को प्रेस करेंगे, टिगर करेंगे। टिगर करने, अगर टिगर होता है तो हमें पावर की के वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है। पावर की के वोल्टेज तभी चेक होते हैं जब टिगर नहीं हो और बूटिंग जीरो ही हो, तो फिर हम पावर की को चेक करते हैं कि पावर की हमारा चेक करने लायक है या नहीं है, ये करके। तो अब हम पावर की पर टिगर करेंगे। तो ये देखो, ये 25 मिली एम्पियर पे, कितना 25 मिली एम्पियर रिटर्न कर रहा है, जीरो। फिर से देखो, थोड़ा इसको जूम करके दिखाओ डीसी मशीन में वीडियो को, कितना एम्पियर रिटर्न कर रहा है बताओ, 25 मिली एम्पियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आओ, इसका मतलब अपन समझते हैं। बहुत स्टेप टू स्टेप अपन को इसको बनाना है। बताओ भाई, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? पावर आईसी ओके है, ओके 10 से 40 के बीच में, देखना 0.10 0.40 और हमारा कितना आ रहा है 0.25। बताओ इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ। हेलो, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीसी मशीन में कितना आ रहा है जल्दी बताओ। हमने कितना लिखा, 0.1 पढ़ो, 0.010 से 0.040 क्या लिखा है, बट ये पावर आईसी ओके है, बट हमारा 40 तक नहीं जा रहा है। हेलो, अब दान दो 0.035 बोलो, 0.040 हम ये समझ लेते हैं कि सीपीयू यहाँ पर क्या बना सकता, जल्दी बताओ। क्योंकि इसके बाद रीडिंग जाती है इमेंसी कंसप्शन लेता है, ये पावर खा रहा है इतनी रीडिंग इमेंसी और रैम तक तो कोई वोल्टेज मतलब कोई खा ही नहीं रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रही है, वो ऐसा बैठी हुई है। हाँ भैया, ओके क्या करना है मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अगर उसको पता चल रहा होता तो इमेंसी हरकत में आती। सपोज इमेंसी कुछ कर रही है तो इमेंसी क्या करती, अगर इमेंसी कुछ करती तो वो भी करंट खाती, और अगर वो करंट खाती तो उसका करंट बढ़ जाता, और ये करंट बढ़कर अपना 40, 60 और 70 इतने दौर पर आ जाता, पर ये इमेंसी करंट ही निकाली है। इसका मतलब है इस कंडीशन में अगर हम इसको कंप्यूटर से लगा के देखेंगे तो इस फोन में कभी पोर्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, पोर्ट नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि हमारा फिलहाल कितना बन रहा है, चलिए बताओ, 25 मिली एम्पियर बोलो, 25 मिली एम्पियर। हाँ, यहाँ एक होता तो 125 बोलते, ये एक होता तो भाई इसमें हम ये बोल सकते हैं कि क्या नहीं बन रहा है, चलिए बताओ, पोर्ट। अब पोर्ट कब नहीं बनता है, जब सीपीयू बोलो, जब सीपीयू को क्या ना मिल रहे हो, चलिए बताओ, वोल्टेज। हेलो, अगर आपके फोन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बन नहीं रहा, चलिए बताओ, मतलब सीपीयू एक्टिव नहीं हो रहा है। हाँ, आपके फोन का क्या एक्टिव नहीं हो रहा है, सीपीयू। आपके फोन का क्या एक्टिव हो रहा है, पावर आईसी। क्या एक्टिव हो रहा है, पावर आईसी। चलो, अब हम
ये चेक करते हैं कि सर मीडियाटेक के अंदर अभी हमें इनिशियल क्या क्या स्टेज चेक करना चाहिए बिना कोई स्कीमेटिक, बिना कोई डायग्राम, बिना कोई टाम जाम ये वो बोंडियो बिटमैप फलाना दिखाना। बिटमैप हम यूज़ कर सकते हैं, देखो मैं सारी चीज़ बहुत हिसाब से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हमें मीडियाटेक का बूट सिस्टम समझना है, क्योंकि ये फॉर्मेट सीपीयू किसका है चलिए बताओ, एनबीके किसका है चलिए बताओ, एनबीके में सबसे पहले चार्जर लगाकर रिवर्स पर कितने वोल्टेज चेक करेंगे, पहला पॉइंट। जब ये आ गया उसके बाद वीबैक बैटरी करेक्टर पर कितने वोल्टेज चेक करेंगे चलिए बताओ, बोलो कितने, बोलो अगर बोलो वीबैक पर वोल्टेज आ जाए तो हमारी चार्जिंग आईसी हम क्या बोलेंगे, हम चार्जिंग आईसी को छुएंगे ही नहीं, हम बीक्यू आईसी जो लगी है इसके अंदर उसको टच ही नहीं करेंगे, उसका पतरा भी नहीं निकालेंगे। यू डोंट नीड टू चेक दिस आउट क्योंकि वी गेट द आउटपुट ऑफ दिस आईसी, आउटपुट ऑफ दिस चार्जिंग आईसी। थर्ड हमें चेक हमेशा करते हैं पावर की वोल्टेज, बोलो पावर वो तो ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि तभी तो वो टिकर बोलते क्या हो रहा है टिकर बोलते। और मीडियाटेक के अंदर वोल्टेज हमेशा आता है 3.6 से 4.2 कितना आता है चलिए बताओ, अगर यही क्वालकॉम होता पावर कीपर 1.8 वोल्टेज आता। हेलो चौथे नंबर पे हम इसमें चेक करेंगे ये जो ये यूनिवर्सल है हम इससे कम से कम 10-90 बोर्ड बना सकते हैं और डिटेली में हम आगे पढ़ें। चौथे नंबर पे हम चेक करेंगे इसके बाद पावर आईसी, बोलो पावर आईसी बढ़िया। मैं वीडियो में कट कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू डैट कि भाई मुझे वीडियो में कट कर रहा हूँ, पढ़ने इन बच्चों को थोड़ा बता रहा हूँ। देखो पावर सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हम जो अपनी बूटी चेक करेंगे उसके लिए हमारे को किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे बीबस बीबैट पावर की पावर आईसी। अनिल मुझे वो जंपर वाला केबल दो अपना चार्जिंग वाला, मेरे पास इसका सब बोर्ड नहीं है तो मुझे इसका खुद का सब बोर्ड बनाना पड़ेगा। कहना मतलब है बीबस को डायरेक्ट करना पड़ेगा पानी की बोतल में। तो हमने एक केबल ली है और हमने उसका प्लस माइनस ले रहे हैं खाली यूएसबी, ठीक है। प्लस को हम इधर बीबस पे लगाएंगे, इसका बीबस जानना बहुत इजी है जो मैं आपको चार्जिंग क्लास में बताऊंगा। ये इसका बीबस है 5 वोल्टेज की लाइन। तो क्लियर करना, तो भैया एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया, हमने 5 वोल्ट देना था हमने दे दिया, क्योंकि बैटरी लगाते हैं तो हमारा कभी चार्जिंग का आउटपुट नहीं बनता है। चार्जिंग का आउटपुट या किसी भी प्रकार की पावर का आउटपुट एलडीओ बक सब कुछ चार्जिंग से ही होता है। सो हमने फिलहाल यहाँ 5 वोल्ट देना था दे दिया। अब हम इस सी पे चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। देखो 5 वोल्ट आ रहे हैं आपस, यस सर। इसका मतलब मेरा बीबस एकदम ओके फिलहाल यहाँ तक, क्योंकि इसके पीछे इसका चार्जिंग का पत्रा हमें निकालने की जरूरत नहीं है अगर इसका बीबैट मिल जाता है तो। सो बीबैट पहले चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पर डायरेक्ट। तो बैटरी कनेक्टर पर जो प्लस वाला सिरा है देखो आ रहा है वोल्टेज, हेलो यस सर। इसका मतलब है कि इस फोन की चार्जिंग आईसी भी एकदम ओके आगे बढ़ेंगे। अब जाता है पावर की के वोल्टेज, बोलो पावर की के वोल्टेज, तो वो भी चेक कर लेते हैं। फिर भी हमारा टिकर हो रहा है, फिर भी हम ये चेक कर लेते हैं कि 3 आ रहे हैं वोल्टेज की नहीं, लो तो नहीं आ रहे वोल्टेज, तो कुछ भी 3.3 यहाँ आ रहे हैं तो ये 1.3 ये नहीं है। ये वाला आपका पावर की है, जिस पर भी आपको 3 से ऊपर वोल्टेज आएगा वो पावर की का है। यही अगर कॉलकम होता तो 1.8 आता। मीडियाटेक के अंदर पावर की हमेशा हाई वोल्टेज होता है जस्ट लाइक बीबैट।
तो 52 GB ओके है। अब हम चेक करेंगे अपना जो हम वीडियो के अंदर छुपा रहे हैं छोड़ा था तो बनता है वो है VRTC क्या है फिर से बोलो VRTC इस आईसी का नंबर है MD6357CRV। अब हम इसके लिए थोड़ा सा बिटमैप यूज करेंगे। अगर बिटमैप नहीं होता तो भी बना लेते फिर हम पावर आईसी को निकाल कर बनाते। हम वीवो का डायग्राम खोलेंगे। देखिए डायग्राम तो वीवो में होता ही नहीं है। हम वीवो का बिटमैप खोलेंगे। वीवो का Y91 बताओ कहाँ पर है। ये जो वीवो का Y91 MediaTek ये है। हम इसका बिटमैप खोलेंगे। जान दो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि हमारी साइट की पावर एसी ओके है कि नहीं ओके है। भाई ये सारी चीजें हम आज कॉम्पिटेंट के दिन सीख नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक केस स्टडी देख रहे हैं। हेलो यस सर। सीख के आपको रजिस्टर और कैपेसिटर ही जाना है। समझ में आ रहा है मेरी बात। यस सर। देखो ये पावर आईसी, अब इसका हम नोज कट पॉइंट पहले आइडेंटिफाई करेंगे। नोज कट पॉइंट हमारे को बताएगा ये इधर लगा। अब हमें इसका R12 ढूंढना है। क्योंकि आप वहां देखो R12 पे क्या लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ो VRTC क्या लिखा हुआ है। भाई वो 6 सेम है, वो यहाँ अलग आईसी में, पर सप्लाई तो वही बनाएगी ना, क्योंकि आईसी तो एक ही है ना भाई। हेलो तो कहने का मतलब है R12 तो हम इनेबल सो दैट आईड इनफो। तो ये ABCD में आपको काउंटिंग आगे सिखाऊंगा। हम सीधे R पे जाएंगे। तो ये हमारी R यहाँ पर सबसे आखिरी में होगा, मे बी ये है R, और यहाँ पे हम जाएंगे 12। ये देखो यहाँ पर भी R12 में देखो क्या लिखा हुआ है VRTC। ये कैपेसिटर हमें ये मिल गया। कहने का मतलब है हमें इस कैपेसिटर पर अब कितना वोल्टेज चाहिए कि हमारा पावर ऐसी ओके हो जाए। 2.8। क्या लगाकर चार्जिंग केबल लगाकर, क्या लगाकर जल्दी बता। हाजी तो अनिल वो निकालो जरा USB। मेरा ये चार्जिंग केबल निकल गया है। चार्जिंग का केबल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है अनिल इसको ऐसा पकड़े रहना, थोड़ा इसको टच नहीं होने देना, ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ तो हमें 5 वोल्टेज मिल रहा है इस कैपेसिटर पर। कितना आ रहा है? 2.8। इसका मतलब है कि हमारी पावर आईसी एकदम ओके है। हेलो यस सर। इतना फिलहाल दिमाग में घुसा तो रहा बहुत। यस सर। देखो किसी भी तरह के कोई PPT नहीं, कोई बूट सिस्टम नहीं, जो भी है स्कॉर्पियो सिस्टम। अब पावर आईसी ओके है तो पावर अब क्या बनाएगा। जब पावर आईसी ओके है तो पावर क्या बनाएगा जल्दी बताओ। बक और बक के साथ में क्या बनाएगा LDO। ये बक किसको ऑन करेगा CPU, और ये LDO किसको ऑन करेगा मेमोरी प्लस रैम और प्लस और साथ में किसको ऑन करेगा CPU। तो अब अपन को इसका पूरा बूट चुके हैं, पूरा LDO के L1 L2 L3 L4 क्या ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो अपन डायरेक्ट करते हैं। अब ध्यान देना, अगर पावर आईसी बोलो, अगर पावर आईसी 5 कॉइलों के साथ आ रही है, 5 कॉइल के साथ आ रही है, फिर से बोलो, अगर पावर आईसी 5 कॉइल के साथ आ रही है, कितने कॉइल के साथ, 5 कॉइल के साथ, तो एक कॉइल पर वोल्टेज आना चाहिए VS1, मतलब कितने वोल्टेज बनना चाहिए, ये किसके साथ केबल, चलिए बताओ। देखो कॉइल गिरो, थोड़ा सा जूम आउट करो, MD सर बताओ कितनी कॉइल है, 4 नीचे और एक बाजू में, 5 कॉइल है, कितनी कॉइल है चलिए बताओ। देखो 1 2 3 4 5 ये कॉइल इसकी है। तो भाई 5 कॉइलों का बूट सीक्वेंस क्या होता है, इधर देखो रिपीट है 99% यही है ऐसी आ रहा। मैं आपको 10 कॉइलों का बताऊंगा, 11 कॉइलों का बताऊंगा। अभी ये सब
एक कॉइल पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए? इसको बोलते हैं हायर एलडीओ, बोलो हायर एलडीओ। उसके बाद दूसरी कॉइल पर वोल्टेज अगर हमारा बनता है मॉडम का वोल्टेज कितना बनता है? ये नहीं भी बनेगा तो भी हमारे को चलेगा, हेलो yes, क्योंकि मॉडम बेसबैंड और आईएमआई के लिए होता है, फोन चालू करने के लिए नहीं। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा वी प्रोसेसर, बोलो वी प्रोसेसर। और उसके बाद बनेगा वी कोर, बोलो वी कोर। इस दोनों पर हमको कितना वोल्टेज चाहिए? अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो कोड बनेगा नहीं, सेम कंडीशन में आ जाएगा जो हमारी कंडीशन। तो मतलब हमारे लिए ये दो वोल्टेज बनना जरूरी है और इसके बाद एक दो वोल्टेज बनेगा VPA। ये नहीं बनता क्योंकि ये नेटवर्क सेक्शन में जाता है PFO IC के अंदर। ये तभी बनता है जब सिम लग जाए और फोन ऑन हो जाए, हेलो यस सर। तो टोटल कितनी कॉलों में वोल्टेज बन रहा है? चार। कितनी कॉलों में? चार। तो चारों में वोल्टेज चाहिए, डजंट मैटर मॉडर्न काम का नहीं है। स्टेप टू स्टेप आओ, अभी एंटीके के अंदर सिंगल पावर आईसी मीडिया टेक्स स्त्री कोई सी भी ऐसा पांच कॉइल है, यही सीक्वेंस है, एक्यूरेट, नो स्कीमेटिक, नो डायग्राम। इन चाइना में इंस्टीट्यूट है फोंगकॉन, मैं उससे भी पढ़ा हूँ फोंगकॉन से। तो चाइना का इंस्टीट्यूट अभी रील बनाता है और बहुत अच्छी बात है। फ्रैंक है उसके टीचर है, मिस्टर फ्रैंक, मिस्टर ताओ, बहुत सारे टीचर है। तो फ्रैंक टीचर अभी एक रील बना रहे कि उनके यहाँ ज़्यादातर ऐसे आते हैं अफ्रीकन आते हैं, ये आते हैं इंडियन भी आते हैं। ये रील बना रहे कि We learn without schematic. We don't use schematic because after 12, मतलब iPhone 12 के बाद schematic बनना ही बंद हो गए। iPhone 13, iPhone 14, 15, 16 का एक भी schematic market में नहीं है। तो अभी लोगों के लिए problem है, बस direct solution पे काम कर रहे हैं, उसका schematic नहीं है। और जिन टीचरों को knowledge है वो उसका भी schematic दे रहे हैं उनको अपने ICU के data sheet के हिसाब से। तो ये कह रहे हैं मतलब, तो हम वही काम कर रहे हैं विदाउट स्कीमेटिक। अब टोटल पांच कॉइल लगी हैं हमारी, इन पांच कॉइल में से पहली उस कॉइल में दो वोल्टेज 0.8, 0.8, 0.8 और ये VPA का नेटवर्क, ये हमारे को नहीं आना चाहिए। देखो कितना वोल्टेज बन रहा है, दो, दो। मतलब VS1 आ रहा है, हेलो यस सर। अब हम यहां पर चेक करेंगे इस कॉइल के पीछे कैपेसिटर लगा है, तो यहां पर अगर हम चेक करें 0.7 आ रहा है यहां पर, इधर चेक करेंगे 0.7 और 0.7। इसका मतलब है कि हमारा बग भी बन रहा है, हेलो यस सर। तो और चलो देखो, अब इतने के बाद हम इसको बोलेंगे ओके। क्या बोलेंगे? ओके। बट पूरे बग नहीं चेक किया हमने क्योंकि यहाँ पे कॉइलर कम लगी है। एक्चुअल में यहाँ पर एक और कॉइल होना चाहिए, VS1 के बाद एक और बग होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? VS2। और वो उन पावर के साथ होता है जो 63 के बड़ी पावर है, 6357 के बाद 5859, जो जैसे नोट 10 हो गए या नोट 9 हो गए, MTK के नोट 9, तो उसके में नौ कॉइलें लगी है। तो जब कॉइल बढ़, जैसे Redmi का नोट 8 प्रो उसमें 10 कॉइलें लगी हैं, तो जब कॉइल बोलो जब पांच से ज्यादा हो, पांच से ज्यादा हो, उसी कॉइल में एक VS2 भी मिल जाएगा। पर जब कॉइल पांच ही हो, पांच ही हो, तो VS2 के लिए उन्होंने एक छोटी सी आईसी और बनाई है, हेलो yes, तो हमें वो आईसी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? VS2 पर वोल्टेज बनते हैं 1.3 और कितने वोल्टेज बनते हैं 1.4। कितने बनते हैं? VS2, बोलो VS2। जैसे ही ऑन होगा, जैसे ही ऑन होगा, एक और वोल्टेज बनाएगा VA12, बोलो VA12। जिधर वोल्टेज कितने बनते हैं 1.2। और ये वोल्टेज सीधे जाके किसको मिलते हैं? जब तक ये तीनों वोल्टेज नहीं मिलेंगे, कौन कौन से जल्दी बताओ, VS1, VS2, VA12, तब तक CPU पोर्ट बनाएगा नहीं, हेलो yes, सीपीयू पोर्ट बनाएगा नहीं। VA12 यूट्यूब में खूब हजारों वीडियो है, कहीं इंडिया में, कहीं पाकिस्तान में, कहीं दुनियादारी में, अगर नहीं पता, पर कभी ये नहीं है बताया उन्होंने कि कितनी रीडिंग के साथ। अगर रीडिंग किसके ऊपर है, एक मिनट फिर से लिख रहा, अगर रीडिंग किसके ऊपर है जल्दी बताओ, 40 के ऊपर, तो VA12 चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक है, ये सिखाते हैं हम इतने डीप लेवल पे, आप सिर्फ रीडिंग से कितना सब जज कर सकते हैं।
पर अगर हमारी रीडिंग कितनी है जल्दी बताओ, 25. इसलिए हमको ये चेक करना पड़ेगा. हेलो यस सर, क्योंकि ये रीडिंग का मतलब बोलो, ये रीडिंग का मतलब कौन इमेंसी या रैम के अंदर अटक गया है. हेलो, और इस रीडिंग में आपका जनरली सीपीयू क्या बना सकता है जल्दी बताओ, क्योंकि नहीं बनाता तो सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व था जाने का. चलो देखते, तो अभी अपन VS1 की आईसी को VS1 VS2 को अपन को ढूंढना है. नोटिस करो, अपन 6 से कोई यूज करते हैं. कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूं, देखिए अपन आईसी को आइडेंटिफाई करेंगे, अपन VS2 की आईसी को किसी और बोर्ड में ढूंढेंगे और फिर अपन उसको यहां पे लोकेट करेंगे, क्योंकि उसका डायग्राम नहीं है ना, कहीं अता पता नहीं है, वहां कहीं लिखा नहीं है VS2 मैं हूं. हमें उसकी पहचानना पड़ेगा. जैसे मैं कोट पहना हूँ आप सब में, तो मैं समझ गया कि मैं सर हूँ, वैसे हमें वहाँ कोट पहना आदमी चाहिए. तो देखो, तो हमने यहाँ पर 6 से ही ओपन किया, क्योंकि 6 के अंदर क्या है, 5 कॉइलों का कॉम्बिनेशन है. नोटिस करो, देखो जून करेंगे, अब ध्यान देना, टोटल कॉइल देखो बोलो 1, 2, 3, 4, 5. अगर बोलो अगर आईसी बोलो 6, 3, 5, 7, तो हमेशा कितने कॉइल आएंगे, 5. सर उसमें हमें जीवन में डायग्राम नहीं चाहिए, वो विदाउट डायग्राम सेट है, वो इन्फिनिक्स में आया, आईटेल में आया, साउमी में आया, वीवो में आया, ओप्पो में आया. चलो जल्दी जाओ, तो क्या जा, 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 पक्के जाओ, जा, 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 और खड़े रहना जल्दी जाओ, बहुत तेरी इम्पोर्टेंट है क्लास, तो जितना भी यहाँ सीखेगा 10वें दिन में बहुत लेकर जाए. ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन हमने एक बार सीख लिया, हमें स्कीमेटिक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हमारे की स्पीड होनी चाहिए बनाने के लिए. ये नहीं कि एक घंटा पहले अपन गोंडियों में घूम रहे हैं, एक घंटे तक तो डायग्नोसिस कर रहे हैं क्या. तो ध्यान दो, ये हमारी कौन सी VS1 और ये VPA, हमें ढूंढना है VS2 बोलो VS2. अगर इधर एक और कॉइल होती, दो और होती, तीन और होती, चार होती, तो VS2 यहीं पर कहीं होता. हेलो यस सर, अब ये VS2 किधर है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. नोटिस करो, VS2 आपको ऐसा दिखाई देगा, ये देखो VS2 जिस भी बोर्ड में है बोलो VS2 जिस भी बोर्ड में लगा होता है, लगा होता है, 8 लाख का आईसी होता है, 8 लाख का आईसी होता है, और उसके साथ एक बक कॉइल होगा, क्या होगा, इस आईसी के एक नंबर पे बोलो, इस आईसी के एक नंबर पे दो वोल्टेज आएंगे एज अ EN, क्या होगा VS1, तब जाके आईसी इनेबल होगी और ये आईसी आपके 6 नंबर से आपका 1.4 वोल्टेज निकालेगी, जिसको हम बोलेंगे VS2. हेलो यस सर, आओ अभी आपका कोई सा भी सेट रहेगा, आपको VS2 ढूंढना है, क्या ढूंढना है VS2. चलो मुझे बताओ VS2 यहाँ से दिखाई दे रहे, अरे थोड़ा USB हटा हूँ, बताओ VS2 8 लाख का आईसी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, यस सर, ये देखो ये लगा हुआ है VS2, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर. अब अपने पास बिट मैप है तो बस फायदा उठाए ना, इतना तो उठाए ना हम, तो उतना भी जरूरत नहीं है. ये देखो सब लोग ध्यान देना, ये देखो 8 लाख का आईसी है, इस लैग में पहले पे आ रहा है VS1 पहले नंबर पे, ये देखो ये VS1, ये रजिस्टर के साथ, ये VS1 का कॉल, ये VS1 इसके अंदर एंटर मार रहा है, मतलब साहब ये रजिस्टर भी अगर निकल गया तो भी आपका ये आईसी आउटपुट देना बंद कर देगा, क्योंकि ये इसको इनपुट में एक रजिस्टर लगा है. ठीक है, अब यहाँ से ये 6वें नंबर पे, ये यहाँ से इस कॉइल से, तो बेसिकली यहाँ तो कॉइल नहीं लगा, वो कॉइल इसका यही है, अब इसको यहाँ पर चेक करेंगे, हमको यहाँ पर चेक करना है और ये 5वें नंबर से आउटपुट है, ये देखो ये इधर से, तो ये लगा है VS2. ठीक है, चलो देखो VS2 देखेंगे, VS2 को कैसे चेक करेंगे, तो VS2 को चेक करने के लिए चार्जर लगाएंगे वापस, और VS2 IC के पास 1.4
किसी भी कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे 1.4 अगर बन गया तो ओके, क्योंकि अगर VS2 नहीं बना तो CPU कभी पोर्ट बनाएगा नहीं, बक बनने के बाद भी ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर देखो दो वोल्टेज आएंगे, देखो आ रहे हैं ना यहाँ पर दो वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर VS1 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ VS1। ये देखो 1.6 वोल्टेज आ रहे हैं, अगर हम इस कॉइल पे ही चेक करते हैं, ये देखो कितने वोल्टेज आ रहे हैं 1.4। इसका मतलब है कि मेरा VS2 भी ओके है। हेलो यस सर, अब हमें ढूंढना है BA12। बोलो BA12 उसको आ जाओ डाल दो। देखो सर सबसे पहले क्या बनता है नहीं बताओ, और ये पावर की कॉइल से ही बन रहा है। हेलो किसकी कॉइल से बन रहा है पावर, क्योंकि पावर ने दूसरी कॉइल VS2 की नहीं लगाई, तो VS2 में एक एक्स्ट्रा IC लगी है। क्या लगी है? और वो कितने लैग की है? 8 लैग की। बोलो 8 लैग की। इधर एक नंबर से VS1 और 5 नंबर से VS2 बाहर निकल रहा है, और 6 नंबर से ये कॉइल लगा है, और 6 नंबर से ये जुड़ा हुआ है, साथ में फीडबैक जुड़ा है। आगे यहाँ पर वोल्टेज बनने चाहिए, कितने वोल्टेज बन रहे हैं 1.4। अब ये VS2 किसको ऑन करने के लिए जा रहा है? एक और LDO। क्यों? क्योंकि ये LDO भी पावर के अंदर से बनना चाहिए था, पर पावर यहाँ इतनी बड़ी नहीं है, 6357 बहुत सेटों में लगी है, पर वो एक छोटी IC है, इसलिए उसने VA12 को भी एक एक्स्ट्रा IC में डाल दिया है। तो ये भी बाहर एक कौन सी IC है चलिए बताओ, एक्स्ट्रा IC। इस IC में टोटल 9 बॉल होंगे, कितने बॉल होंगे? 9। और दो कैपेसिटर, बस एक कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना आएगा एज अ इनपुट? बोलो इनपुट, एज अ इनपुट। और एक बाहर निकलेगा एज अ क्या? आउटपुट। वो वोल्टेज कितना होगा? 1.2। वही 1.2 किसके अंदर जाएगा? और तब जाकर CPU क्या बनाएगा? और आपका रीडिंग कितने पर आ जाएगा? मुझे नहीं पता है, इस सेट में हो भी सकता है कि भाई ये रैम पे चले जाए, एमएमसी पे चले जाए, हमारे लिए होता भी बहुत, क्या हम इसको एमएमसी रैम तक तो भेजे? हेलो यस सर, 25 मिली एम्पीयर से आगे तो बढ़ा दे थोड़ा सा, समझ रहे हो? अब हमें क्या ढूंढना है जल्दी बताओ, ये कितने लैग की IC, कितने कैपेसिटर? चलो देखो सर, ये लगी होगी या तो पावर के साथ या तो CPU के साथ, देखो ये लगी है, इस IC को पहचानो, ये IC हम इस तरह के IC ढूंढेंगे वहां पर, ये IC है VA12, इसके किसी एक पैड पे, नो सेट पॉइंट वाले पैड पे, यहां पर आएगा 2 वोल्टेज और यहां से आएगा 1.2। अगर ये वोल्टेज भी आ गया तो फिर हम ये मानेंगे भाई पावर को तो सब कुछ मिल रहा है, अभी क्या बचा? तो हम पावर IC उतार कर एक एक GR चेक करेंगे, क्योंकि फिर कुछ छोटे 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 LDO जो पावर से इंट्रीगेट होकर डायरेक्ट CPU को मिल रहा है, तो वो हम चेक करेंगे भाई कौन सा ऐसा और वोल्टेज नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से 25 एम्पीयर पर अटका हुआ है। और अगर ये वोल्टेज नहीं मिला तो हम सीधा उठा के यहाँ से जम्पर मारेंगे, इट डजंट मैटर, हम इस IC को नहीं बनाएंगे, इस IC को बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्ट 1.2 की जगह पर कितने वोल्टेज दे देंगे 1.4 तो भी ये ले जाए, हम डायरेक्ट हम चाहें तो इसको डिवाइडर से 1.2 दे दें, हम चाहें तो इसको किसी रैम से 1.1 दे दें, हमें सिर्फ यहाँ वोल्टेज देना है। ये IC एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रही है, किसका? रेगुलेटर वो होता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है, फ्रिक्वेंसी डाटा वाटा की सप्लाई करता नहीं है। अब वो IC को देख लो अच्छे से, अब वो IC यहाँ पे बताओ कहाँ पर है, देखो CPU के पास ही दिखा रहा हूं, बताओ कहाँ है वो IC, ये दिखाई दे रही है IC यहाँ पर? यस सर, दो कैपेसिटर के साथ। हेलो यस सर, आप नोटिस करो यहाँ हुआ क्या है, ये पतरा निकालते समय यहाँ से खींचा गया है, जिसकी वजह से देखो कुछ कंपोनेंट भी टूटे हुए, थोड़ा सा इसको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ, देखो जैसे कि देखो ये कंपोनेंट ये टूटा है यहाँ पर, हेलो यस सर, और यहाँ पर भी देखो एक कंपोनेंट यहाँ से उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर,
अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या सीन बनता है। दिखाओ जरा चार्जर लगाओ, केबल लो और उसको पकड़ो। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक और हमें मिलना चाहिए 1.4 जो कि आ रहा है वो VS2IC से। आ रहा है? Yes, sir. अब यहां आना चाहिए 1.2। देखो 1.2 मिसिंग है। देखो यहां पे भी दिखा देता हूं, ये तो ग्राउंड है, ये देखो। जबकि यहां देखोगे तो यहां 1.4 आ रहा है पर यहां पर कुछ भी आ नहीं रहा है। तो देखो यार अब हम क्या करते हैं, इस आईसी को उतारेंगे तो आईसी चाहिए काय को भाई। ये मीडियाटेक है और मीडियाटेक चीप सेटों के अंदर आता है। एक्सपीरियन मीडियाटेक इज ऑलवेज कंसिडर कि डोंट बाय मीडियाटेक एनी मोर। कभी अपने किसी नियर डियर को रेफरेंस करोगे मीडियाटेक का सेट कभी मत खरीदो। मतलब अब क्योंकि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि दुकानदारों को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, गाली गलौज करेंगे, इसलिए थोड़ा काट दूंगा मैं वीडियो के अंदर। पर मैं पर्सनली बता रहा हूँ किसी भी तरह से किसी भी भले वन प्लस के अंदर भी मीडियाटेक आ रहा है। मीडियाटेक का सेट एक बावासीर सेट बहुत सही बेकार आईसी। आप ये समझो कि आपने चीप आईसी खरीदी है, इंटेल का प्रोसेसर के सामने AMD खरीद रहे हो। हालांकि AMD सबसे नंबर वन है। आज AMD ने अपना ये देखेंगे ये लाइन जाती किधर है। देखो देखो सब लोग देखो ये लाइन यहां से आउटपुट से सीधे इस आईसी पर जा रही है और ये आईसी के अंदर ये पैड के अंदर इन हो रही है और यहां से ये आउट होनी चाहिए और यहां पे BA12 और इस BA12 से ये आईसी इस CPU को पूरा दे रहा है। तो CPU एक BA12 क्या वोल्टेज है आओ उसके बात करते हैं। BA12 एक LDO वोल्टेज है। क्या वोल्टेज है? बक नहीं है, LDO, क्योंकि बक वोल्टेज 1.2 होता ही नहीं है। बक वोल्टेज होता है 0.6 0.7 0.8 V होता है। तो अभी जब तक CPU को ये वोल्टेज नहीं मिलेगा CPU कभी भी तो सीपीयू का बढ़िया काम हो रहा है, सब बन रहा है। तो हम एम्पियर से बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से इधर पे एक जंपर मार देते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या एम्पियर जा रहा है। देखेंगे, हटा दो भाई तो एक जंपर दो जरा। फिलहाल हम DC के साथ पावर की को टिकट करेंगे। पहले क्या रीडिंग की अपनी? अच्छे अब क्या रीडिंग है? देखो ध्यान दो, 200 के ऊपर, देखो 200 के ऊपर रीडिंग चली गई हमारी। हेलो सर, इसका मतलब हमारा फोन क्या हो गया है। बट इसको कंफर्मेशन करेंगे हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। देखो ये पूरा चालू हो गया। हेलो मतलब फॉल्ट केबल और केबल सेक्शंस में होते हैं तो उसको अगर आप स्टेप टू स्टेप बहुत अच्छे से चेक करें, डायग्नोस करें, उसको बंद करो फटाओ, तो हमको ये पता चलता है कि हमको फोन क्या स्कीमेटिक की भी जरूरत नहीं। अगर हम IC डाटाबेस से पढ़े, समझ आ रहा है मेरी बात? ये फोन हमने देखा जाए तो 6C के बनाया है। किससे बनाया है? 6C से। और इसको हमने बिटमैप हमारे लिए एक बहुत अच्छा फायदेमंद है। बोर्नियो से नहीं होता तो हमको वो BA12 ये आ तो हमको ये ढूंढने में हमें BRTC ढूंढने में हमें दूसरी टेक्निक लगानी पड़ती, जो वो टेक्निक मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल जितना भी आज डेड डायग्राम ने बताया मैं बोलता हूँ 2% भी समझ में आया। किस किस को आया 2% समझ में? ठीक है, स्टेप लेना पड़ेगा। हेलो उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप अपने आप मिलता जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात? पहला स्टेप अगर छोड़
देंगे कि अरे नहीं हो रहा, तो दूसरा स्टेप वो जो सबसे इजी स्टेप है। इसके लिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने साइकोलॉजी की क्लास में सीखी थी, ये मैंने अपनी साइकोलॉजी की क्लास में सीखी थी। ये देखो, ये सक्सेस रेट है, ये सक्सेस है, यहाँ आप विनर हो, यहाँ आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हो जिंदगी से, जो चाह रहे हो, और ये उसकी ये है। ये देखो, कहने का मतलब है पहला स्टेप ही सबसे बड़ा स्टेप होता है, इसको लोग नहीं चढ़ पाते, उसके बाद तो बिल्कुल प्लेन है, और स्टेप स्टेप पैदल दौड़ के जाओगे और आखिरी में तो फिसल के जाओगे यहां से, खुद मिलेगा सक्सेस। पर इतना स्टेप को यहां तक पाने में लोग यहां तक, अरे यार क्या हो नहीं रहा, अरे यार हो नहीं रहा, अरे यार, सिर्फ यहां तक भी छोड़ देना तो उसको सक्सेस मिलने वाली है, नहीं लेगा। तो ये सबसे बेस्ट है। तो हमें लगा हम वाकई में, हम लोग क्या करते हैं, हम यहीं तक रुक जाते हैं, अरे यहां तक जाओ तो एक बार स्टेप करो, तुम नहीं करोगे तुम्हारी जगह कोई और कर देगा, उसके बाद तुम्हारे इतने छोटे छोटे स्टेप आएंगे जो तुम्हारे लिए सक्सेस बढ़ती जाएगी। क्या सो 28 सितंबर क्लास, हेलो yes, सुबह से अब तक का सफर कैसा रहा आप लोगों का? Oh, आज इमेंसी किस किस ने परफेक्ट तरीके से रिबॉल की, मैं फिर से जानना चाहूंगा, बिल्कुल हाथ खड़े करके बनाओ, ऐसा नहीं कि बस मैंने की सर मेरे को तो यार कंफर्म तरीके से किया है। yes, एक बार फिर से एमडी सर के जोरदार ताली बजाओ। मेरे को आना और दूसरे को करवाने में बहुत अंतर है, मेरे बात ध्यान रखना, 10 स्टूडेंट सामने हो, एक एमएमसी हो रहे ऐसे जिनने आईसी पे काम नहीं किया, उनसे तो पहले पीपीडी लगवा लेना बहुत बड़ी बात होती है। एमएमसी को रिबॉल करवाना, कल आपको सीपीयू रिबॉल करवा देंगे यही इसी टाइम पर, परसों आप लाइव पावर, और चौथे दिन आप सीपीयू लगा के बैठोगे, आपको लगेगा कब बीट गया चौथे दिन, मेरे को पता ही नहीं था। आज सुबह एमएमसी परफेक्ट तरीके से किसी ने रिवॉल्व की। दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000731192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक। तो हमारे साथ है 28 सितंबर की बैच, और आज हमारा तीसरा दिन है, कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, और मेरे साथ स्टूडेंट सारे लाइव है और उनके हाथों में कुछ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है भाई? मदर बोर्ड है, सबके पास आन मदर बोर्ड है, क्या करने वाले हैं आप? लाइव फोन से पावर आईसी, तो भाई ये प्रोसेस कौन कौन कर लेगा? आप करेंगे? तो ये प्रोसेस आप क्या पहले से जानते थे? रात को प्रैक्टिस करी? सुबह प्रैक्टिस करी? अभी हमारा एग्जाम का टाइम है, कौन कौन रिजल्ट देगा? आप देंगे? एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर आने पावर, लगेगी कि नहीं लगेगी? 100%, 101%, 110%। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच, yes, आज कौन सा दिन है हमारा? तीसरा दिन बोला है, तीसरा दिन मतलब पावर, किस किसने डन किया पावर डन सबने? yes, तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी? सीपीयू माउंट रिबाउंड किस किसने करा है? सबने किया है। तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बोलो मैं हूँ कौन कौन है सीपी मास्टर, कौन कौन है सीपी मास्टर, कौन कौन है सीपी मास्टर, ऑल द बेस्ट। इनसे बात करना चाहूंगा सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है, तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। तो मैं चलो मैं एक चीज को इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा, ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है, मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ पीछे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीट नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर से। ओके, हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके, मोबाइल रिपेयरिंग से हूँ सर,
सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए और थैंक यू सर थैंक यू एशिया टेलीकॉम एमडी सर का बहुत बहुत बढ़िया एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए बहुत शुक्रिया हमने दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30 से 14 दिन में आपने CPU EMMC पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली CPU लगाए, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे। क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो CPU का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहाँ पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहाँ पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको EMMC जिसमें UEFI पढ़ाया जाए, और JTAG जिसमें आपको लेटेस्ट जो IC है, जो CPU चेंज सब कुछ। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम। अगर आपको CPU मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास। 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000730192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।